₹99 में आपको अनलिमिटेड चार्जिंग है, 150 पॉइंट लगे हुए जो आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। पश्चिम विहार एरिया यहाँ पे 150, यानी कि ये डिवाइस चार्जिंग के लिए अभी रेडी है। देखो यहाँ स्टार्ट हो गई, चार्जिंग स्टार्ट लिख के आ रहा है। दोस्तों हमने कई बार, हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि हमारे पास एक मैसिव चार्जर है जिसे आप कहीं भी, पूरी दिल्ली एनसीआर में कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम आपको पश्चिम विहार में लेके आए हैं, जहां पर ये पूरी मैसिव चार्जर का हमारा पूरा पार्किंग है। ये देखिए, ये पूरी पार्किंग है और यहाँ पर, यहाँ पर लगभग आपके 5 से 6 चार्जर्स, ये देखिए यहाँ पर चार्जर्स लगे हुए हैं, ये सारे जो रेड कलर के सारे मैसिव चार्जर्स हैं। ये देखिए इस यहाँ पर 5-6 लगे हैं और एक यहाँ पर लगा हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा मैसिव चार्जर है जो आपको दिल्ली एनसीआर में कहीं भी मिल जाएगा। और ये पार्किंग, आपको जो चार्जिंग का कॉस्ट है वो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, महीने में सिर्फ आपको ₹999 देने हैं और यहाँ पे आपको पार्किंग भी फ्री मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं हमारी कंपनी के एग्जीक्यूटिव से, जो आपको बताएंगे कि यहाँ से आपको चार्ज क्यों करना चाहिए और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। ये चंदन सर हैं और ये लव सर हैं, ये हमें बताएंगे कि हम यहाँ पर क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं आपको अगर मैसिव चार्जर से आप चार्ज करते हैं। देखो दिल्ली, पूरी दिल्ली एनसीआर का हम रेट की बात करें तो 150-140 रुपये में पर डे लेता है पार्किंग में, बट यहाँ पर क्या है, ₹999 में आपको अनलिमिटेड चार्जिंग है, आप कहीं भी चार्ज कर सकते हो दिल्ली एनसीआर में। ₹999 में पूरे महीने? हाँ पूरे महीने, आपको 500 रुपये की कम से कम सेविंग होगी, 500-600 रुपये तक की, ठीक है। हाँ ये पूरा दिल्ली एनसीआर में आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो हमारा कार्ड होता है जो 999 रुपये दोगे उसका हमें कार्ड बना के देते हैं, जो कार्ड होता है सिक्योरिटी पर्पज़ से होता है कि आप कहीं भी चार्ज करोगे बॉक्स में। और आप एक मोबाइल ऐप होती है मैसिव की, उस ऐप पे आप ये भी देख सकते हो कि हमारा रिक्शा चार्जिंग की पर लगा है या नहीं लगा है, चार्जिंग हो रहा है, कितने परसेंट बैटरी चार्ज हुई है, वो सारा कुछ आपको ऐप में दिखेगा, आपका कितना बैलेंस बना है, कितना पेमेंट हुआ, सब उसमें दिखेगा। उससे आपकी एक सिक्योरिटी ये भी रहती है कि जो रिक्शा की बैटरी है ना उसकी भी सेफ रहती है कुछ, जैसे कि अभी आप डायरेक्ट मीटर पर लगा रहे हो तो अभी क्या डायरेक्ट मीटर पर लगाते तो उसमें वोल्टेज कितनी आ रही है, 350 आ रही, 400 आ रही, तो उसमें क्या है बैटरी का कुछ फॉल्ट होने का डर रहता है। अब इसमें क्या है, आप बॉक्स पे, हमारे बॉक्स पे लगाओगे तो आपकी बैटरी को जितना यूज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो आपको उतनी इनपुट देगा, उससे क्या होता है कि आपकी बैटरी भी सेफ रहती है, बैटरी लाइफ भी ज़्यादा सेफ रहती है, बैटरी लॉन्ग ड्राइव चलती है, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट रहता है इससे चार्ज करने में। आपको जो आपका पैसे की बात करें, जैसे कि आप डेली यूज करते हो, डेली आप पैसे देते हो, ₹150 डेली आपका जाता ही जाता है। अब इससे क्या है, आपको डेली पैसा देना नहीं है, आप जितना चार्ज करोगे उससे कार्ड से आपका कट जाएगा। जैसे आप रोज मोबाइल रिचार्ज कराते हो हर महीने, हाँ वैसे आपको मेट्रो कार्ड की तरह कार्ड रिचार्ज कराना है। जिस 999 रुपये का है जो एक महीने तक चलता है, वो आप एक बार में वॉलेट में पैसे ऐड कर लो, वो एक महीने तक आपका चलेगा, कहीं भी आप यूज कर सकते हो। हमारे यहाँ पर कई पॉइंट लगे हुए हैं, कम से कम इस लोकेशन की बात करें तो 150 पॉइंट लगे हुए हैं जो आप कहीं भी चार्ज कर सकते हो। पश्चिम विहार एरिया यहाँ पे 150 चार्जर्स लगे हुए हैं, हाँ कहीं भी आप यूज कर सकते हो उस पर, ठीक है। आप जैसे कि हमारे यहाँ पे बॉक्स लगे हुए हैं, हमें कवर पार्किंग है, आप कहीं भी आप अपने रिक्शा छोड़ के चले जाओ, आपके पूरा सेफ रहेगा, कोई जैसे कि चोरी चकारी का कोई डर नहीं है, सिक्योरिटी पूरे सिक्योर है। आपको आप ऐसे ही छोड़ के चले जाओ, एक दिन दो दिन जब आओ तब आप लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 आवर्स में कभी भी जो कार्ड या हम आपको कार्ड बना के दे रहे हैं ये अनलिमिटेड है कि जितना मर्जी यूज करो, ठीक। और दिल्ली में पूरी दिल्ली में आप कहीं भी कर सकते हैं, दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, जहां भी रिक्शा लेको, जो हर जगह आपके चार्जिंग अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल, ठीक है। इसमें अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जहाँ पर ये बॉक्स लगे हुए हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो पार्किंग ओनर है वो खुद बता रहे हैं कि ये बॉक्स है आपकी फास्ट चार्जिंग है, कि जो एक रिक्शा 9 घंटे में चार्ज होता था वो 7 या 6 घंटे में, 4 घंटे में हो जाता है, मतलब लगभग 1 से 2 घंटा ये रिक्शा वाले का बच जा रहा है, मतलब पैसे भी बच रहे हैं और टाइम भी बच रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो पार्किंग के ओनर है वो खुद बता रहे हैं, जिन्होंने चार्ज किया उनसे रिव्यू लेके सब बोल रहे हैं, ठीक है। सर हमें ये बताइए कि अगर यहाँ पे किसी भी अगर पार्किंग जिस पे है वो अगर चार्जर अपने पार्किंग में इंस्टॉल कराना चाहता है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी? चार्जिंग अगर इंस्टॉलेशन कराना है तो उसके लिए स्पेस चाहिए, कम से कम 10 रिक्शे खड़े हो जाएं, ठीक है, ठीक है। और पार्किंग का जैसे कि कोई रिक्शा आता है पार्क करना चाहता हो तो कैमरा चाहिए, पार्किंग कैमरा जरूरी है उसके लिए, और पार्किंग में स्पेस 10 रिक्शे का कम से कम स्पेस होना चाहिए, प्लस
सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए जो उनको देख अच्छे से देख सके। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वाइज क्या क्या चाहिए? एक आधार कार्ड चाहिए और एक मोबाइल नंबर। ठीक है, और एक बिजली का बिल चाहिए और जो उसमें जो पार्किंग हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट अप्रूव मीटर होना चाहिए। ये बताइए कि अगर कोई यहाँ पे जिसपे पार्किंग है वो लगाता है तो उसको कितना, मतलब उसका प्रॉफिट क्या होगा? क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हम लगवाने जाते हैं तो। सर उसको हम उसको 9 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये यूनिट देते हैं, जबकि उसका जो यूनिट रेट है वो 4.5 रुपये है बिजली के बिल का। हाँ, बिजली के बिल का। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि जैसे हम लोग एक यूनिट के हम 12 रुपये ई रिक्शा वालों से लेते हैं, तो उसमें 8 रुपये यूनिट तो बिजली के बिल में चला जाता है, प्लस जो 4 रुपये जो बचता है उसमें 3 रुपये पार्किंग ओनर को जाता है, 1 रुपये हमारी कंपनी को होता है। और ऐसे अगर हम, मैं आपको सीधी बात समझाऊँ तो 100 में से 75% जाता है पार्किंग ओनर और बिजली को, और प्लस 25% जाता है हमारी कंपनी को। सर हमें ये बताइए कि अगर किसी को ई रिक्शा वाला आया चार्ज करने के लिए तो क्या क्या तरीके हैं चार्ज करने के लिए? देखिए, सबसे बेस्ट जो तरीका है वो अपने आप मोबाइल में भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो हमारी कंपनी की, ठीक है, मैसिव चार्जिंग की। और प्लस एक हम स्मार्ट कार्ड देते हैं कस्टमर को, हर कस्टमर को, कि वो अपना कार्ड पंच करे, उसमें टैप करे और देन वो अपना शुरू करे चार्जिंग। कार्ड हमारा इसलिए सक्सेसफुल होता ज़्यादा क्योंकि कुछ ई रिक्शा वालों के पास में मोबाइल नहीं होता, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता है, जो फिर उस कार्ड से वो सारे काम कर लेते हैं, जो चार्जिंग करनी है, बंद करना है, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। अगर एंड्रॉयड मोबाइल होता तो उसमें भी आप अपना ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो सर हमें बताइए कि कार्ड से अगर चार्ज करना है तो कैसे करेंगे? चलिए, यस, देखिए ये हमारा स्मार्ट कार्ड है, इससे हम हमारी जो डिवाइस लगी हुई है इस पर हम स्वैप करेंगे, हमारा ई रिक्शा चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। दिखाइए सर कैसे। देखिए सर, अभी हमारे बॉक्स में लिख के आ रहा है रेडी टू चार्ज, यानी कि ये डिवाइस चार्जिंग के लिए अभी रेडी है। ठीक है, तभी हम इसको कार्ड को हम यहाँ पर स्वैप करेंगे। अभी इसमें देखो लाइट भी नहीं आ रही है इसमें सॉकेट में, सॉकेट में लाइट नहीं है। देखो यहाँ स्टार्ट हो गई, चार्जिंग स्टार्ट लिख के आ रहा है, और यहाँ इसमें लाइट भी आ गई है। देखिए चार्जिंग स्टार्ट यहाँ लिखा हुआ है, चार्जिंग स्टार्ट आ रहा है और इसमें लाइट भी आ रही है। अब एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा, जब आप चार्ज करो तो सबसे पहले ये चेक कर लेना, इसमें प्लग लगाने के बाद ये हमारी MC ऊपर को उठी हुई होनी चाहिए। ठीक, MC भी गिरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, MC गिरी नहीं होनी चाहिए, और MC उठी हुई होगी। अब आप इसमें कार्ड लगाएंगे, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी। जब तक इसमें कार्ड आप स्वैप नहीं करेंगे, आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, आप चार्ज नहीं कर सकते। मतलब जब ये लाल बटन, लाल लाइट जल जाएगी तभी इसमें, लाल लाइट जल जाए, समझो आपसे इलेक्ट्रिसिटी आ गई, हम चार्ज कर सकते, चार्ज कर सकते हैं। अब ये रिक्शा चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर इसमें सॉकेट में अगर आपने प्लग लगाया हुआ है, अगर इसमें थोड़ा भी लूज हुआ तो ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्टॉप। हाँ, इसमें अगर ये क्या है, कार्ड लगाने के बाद 15 मिनट तक इसमें सप्लाई रहती है, सप्लाई लेने के लिए प्लग करने के बाद। हाँ, यस, ठीक है। अब जब आपका ये इसमें देखो, जब आप इसमें चार्ज में लगा देंगे, इसमें टाइमिंग भी आती है, अमाउंट भी आता है कि कितने देर में चार्ज हो जाएगा, और ये एनर्जी भी लिख के आ रहा है, एनर्जी यूनिट यूनिट सब लिखा हुआ आ रहा है। हमने कार्ड इसमें लगा दिया और ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया। इसमें आपका अमाउंट, टाइमिंग, यूनिट सब लिख के आ रहा है, कितना अमाउंट हुआ। ठीक है, हमारे पास दूसरा भी तरीका है जो इसको, अगर आपके पास कार्ड नहीं है, आप बाई मिस्टेक आप कार्ड घर पर भूल जाते हो, तो आप मोबाइल ऐप से भी आप यूज कर सकते हो। हमारा जो मोबाइल ऐप है मैसिव चार्जिंग के नाम से है, ठीक है, इसमें ये आप डाउनलोड करोगे अपने मोबाइल में, तो इसमें एक OTP मांगता है, अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर मांगेगा, एक OTP आपको इसमें डालना पड़ेगा, एंड गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अपना नेम, और ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल इसको स्कैन और कैसे फिर आगे बढ़ेंगे? ये जो ये QR कोड है, आप QR कोड पर क्लिक करेंगे और जो हमारी डिवाइस में QR कोड लगा हुआ है उसमें जाके स्कैन कर देंगे, ये आपका इसमें ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट का, आप उसमें स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब रही बात कि आपका एक फैसिलिटी और है ऐप में, आप जो आपको पता नहीं होगा अभी, जैसे कि आपने यहाँ पे चार्जिंग पे ई रिक्शा लगा दिया, अभी क्या करते हो आप, डायरेक्ट चार्जिंग लगा के घर चले जाते हो, तो आपको पता ही नहीं है कि हमारी ई रिक्शा चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐप से आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप घर पे बैठे हो
तो आप ऐप पे ये पता कर सकते हो कि हमारा रिक्शा चार्जिंग पर लगा है तो चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारा कुछ दिखेगा। अब फुल चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक स्टॉप है। अच्छा, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। अगर उससे पहले भी अगर आप स्टॉप करना चाहते हो तो आप घर पे बैठे बैठे आपको उसको स्टॉप कर सकते हो, घर से ही स्टॉप हो जाएगा, तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका अगर आप किसी से फ़ोन करके बार बार यहाँ पे आके पार्किंग में देख के पूछना नहीं पड़ेगा। हाँ, बार बार आपको यहाँ पूछना नहीं पड़ेगा कि हमारी गाड़ी चार्जिंग पर लगी है या नहीं लगी है, चार्ज हो रहा है कि नहीं। घर पे बैठे कर सकते हो, घर पे बैठे बैठे आप मोबाइल पे देख चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो ऐप। तो ठीक है, अब मोबाइल में एक चीज़ और है, एक ऐप से आपको एक चीज़ और पता चल जाएगा। जैसे ही अभी आपको कोई आइडिया नहीं है कि हमारा मैसिव चार्जिंग पॉइंट कहाँ कहाँ लगा हुआ है, ठीक है, आप मोबाइल में आप लोकेशन चेक करोगे तो लोकेशन पे आपको सारा कुछ दिखेगा कि कहाँ कहाँ पर ये चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं। मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे ये सारी लोकेशन आ गई, हमारे कहाँ कहाँ दिल्ली NCR में चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं। अब अगर कोई एक लोकेशन सर्च करना है पश्चिम बिहार, तो यहाँ पे पश्चिम बिहार सर लिखोगे, मादीपुर लिखोगे, जैसे मादीपुर में है हम, तो मादीपुर यहाँ सर्च करोगे ये देखो, ये हम खड़े हैं बिजिंदर पार्किंग, ये आ गए। अच्छा, ये अब ऐप से ये भी सर्च कर सकते हो कहाँ कहाँ आपका चार्जिंग स्टेशन है, कहाँ कहाँ नहीं है। अब इसमें एक और है, जैसे कि आप प्री बुक भी कर सकते हो, यानी कि आपको जैसे कि आप चाहते हो कि मैं जाऊँ तुरंत मुझे चार्जिंग पार्किंग का जो स्पेस स्लॉट मिल जाए, बुकिंग पे मुझे मिल जाए कि वहाँ पर रिजर्व पार्किंग हो जाए कि हम अभी जाऊँगा और तुरंत लगा दूंगा जाके, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसमें ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो चार्ज की। हाँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। हाँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप जाओगे, आपकी स्पेस आपका ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, आप जाओगे वहाँ पर लगा दोगे जाके, आपका बॉक्स नंबर आ जाएगा, आपका बॉक्स नंबर देख लोगे कितना बॉक्स नंबर है हमारा, बॉक्स नंबर पड़ा होता है उसमें, उसी हिसाब से अपनी गाड़ी उस बॉक्स पे लगा दोगे जाके लगा दोगे, तो उससे आपके टाइमिंग की बचत होगी। और जल्दी जल्दी यहाँ पर आइए चार्जिंग के लिए, और मुझसे कॉन्टेक्ट करने के लिए पीछे नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो भी डिटेल से पूछनी है आप पूछ सकते हैं। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।